नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवा ओ नमो भगवते वासुदेवाया ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति वन्दे वन्देऽहम् श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरगुणाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्त्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर्षिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो उपस्थित सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज के हमारे इस रामनवमी के पर्व में रामनवमी का पर्व जो ना केवल छत्रपति संभाजीनगर शहर में ना केवल महाराष्ट्र में ना केवल भारत में ना केवल विश्व में अभी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी के लिए उत्साह का आनंद का और भक्ति की ओर मार्गक्रमण मार्ग करने के लिए प्रेरणा देने का पर्व है तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर राम कथा को सुनकर कौन कौन प्रेरित हो सकता है कौन कौन हो सकता है कौन हो सकता है सब हो सकता है स्वयं श्री राम प्रभु एकति कति निकुश रामायण गाती स्वयं प्रभु रामचंद्र जी इस रामायण को सुनने के लिए लालयित रहते हैं तो हुआ यू लव और कुश दोनों इस राम कथा को सुनाने के लिए अयोध्या में आ गए तो उस समय सारा प्रयोजन किया गया बहुत सुंदर प्रभु रामचंद्र जी का सिंहासन बहुत ऊंचा बनाया गया और यहां सारे श्रोताओं के बीच बैठकर लव और कुश रामायण का गान करने लगे और जब वो रामायण का गान करने लगे तब सारे श्रोतागण इतने प्रफुल्लित हो गए इतने आनंद में थे बस बीच बीच में हंस रहे बीच बीच में रो रहे ठाके लगा रहे क्योंकि राम कथा बड़ी मधुर है इतने में एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ था मान लिया जे ऐसे जैसे हमारे बगड़िया प्रभु बैठे और बाजू में मुकुंद कृष्ण प्रभु बैठे तो बगड़िया प्रभु सामने थोड़ा सामने बैठे हुए पीछे मुकुंद कृष्ण प्रभु और इतने में लोकुश ने ऐसा कुछ कह दिया कि बगड़िया प्रभु ने बाजू वाले के अपने मुकुंद कृष्ण प्रभु जहां बैठे हैं वहां बैठे हुए व्यक्ति के पीठ पर जोर से ऐसा एक धक्का मार दिया और उसको बोले कितना मजा है ना एक बार हुआ दो बार हुआ और जब तीसरी बार मार रहा था तो उसने देखा रामचंद्र जी ऊपर सिंहासन पर नहीं यहां बैठे हुए थे तो रामचंद्र जी को बता रहा है मजा आ रहा है ना <laughs> तो रामचंद्र जी भी अपना सिंहासन छोड़कर इस मधुर कथा को सुनने के लिए नीचे आ गए प्रभु रामचंद्र ना केवल प्रभु रामचंद्र अपितु भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे प्रतिदिन दोपहर में राम कथा सुना करते थे तो विचार कीजिए जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है समस्त रसों के अधिपति है रस सागर भगवान श्री कृष्ण वो प्रभु रामचंद्र जी की लीला को श्रवण करने के लिए हर दिन दोपहर में समय, समय निकाला करते हैं और राम कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बड़ी आतुरता से और बड़ा आनंद लेते हुए सुना करते थे सबको पता है कि लगभग तीन दशक पूर्व जब रामायण का सीरियल चलता था तब कर्फ्यू लग जाता था है ना आज हम हमारे क्लिनिक से जब आ रहे थे तो थोड़ा सा कर्फ्यू जैसा सिचुएशन था तो रामायण का सीरियल जब चलता था तब सारे भारत में कर्फ्यू लगता था जब कोविड आ गया तब किसी ने यह नहीं कहा कि हम शोले देखेंगे किसी ने यह नहीं कहा कि हम धूम देखेंगे बाजूराव मस्तानी देखेंगे सबने क्या कहा रामायण का सीरियल लगाओ वो वाला कौन सा जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के जन्म से लेकर उनकी समस्त लीलाओं को बड़े आनंद से विस्तारित कर प्रदर्शित किया है तो रामचंद्र जी की लीला बड़ी मधुर है इतनी मधुर है कि जो भी कोई इसे सुनने का प्रयास करे वो आनंद की अनुभूति करता है वह आनंद की अनुभूति करता है सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि पहले अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय पहले स्कंद से लेकर बारहवें स्कंद तक विस्तार से सारे अवतारों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं भागवतम में कितने श्लोक है अठारह हजार और उस अठारह हजार श्लोकों में विस्तार से पूरे बारह स्कंद हैं और जब समस्त अवतारों का वर्णन पूर्ण करकर राम अवतार पर सुखदेव गोस्वामी आते हैं तब क्या कहते हैं परीक्षित महाराज को अनुचरितम राजन ऋषि ही तत्वदर्शी भी श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीता पतेर मुहू वो कहते हैं कि रामचंद्र जी का जो चरित्र है ना वो मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा पूरे भागवतम में केवल दो अध्याय है जिसमें रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन है क्यों क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि देखो ये कथा ना सीरियल पे बहुत चली है <laughs> तो उस समय सीरियल तो थी नहीं लेकिन वो कहते हैं तस्य अनुचरितम राजन ऋषि भी ही, तत्वदर्शी भी ही। समस्त ऋषियों द्वारा समस्त तत्वदर्शी लोगों के द्वारा निरंतर राम कथा की चर्चा होती है निरंतर राम कथा का पाठ होता है तो हे राजन हे महाराज परीक्षित तुमने इस राम कथा को बड़े विस्तार से सुना होगा बचपन से सुनते आए हो अरे जो राम कथा सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन समय निकालते हैं उस राम कथा को मैं विस्तार से क्यों दोहरा वो कहते हैं श्रुतम ही वर्णितम भूरी आपने सुना भी होगा और इसका वर्णन भी किया होगा भूरी भूरी बहुत विस्तार से और बहुत बार क्योंकि ये प्रभु रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो बड़ा ही अद्भुत है तो अगर रामचंद्र जी के चरित्र को समझना है अगर रामचंद्र जी के चरित्र का अनुभव करना है अगर रामचंद्र जी के चरित्र का रसपान करना है तो हमारे लिए क्या पर्याय है बड़े विस्तार से पर्याय है शायद ही किसी व्यक्ति का चरित्र होगा जिसको इतने विस्तार से सारे विश्व में विस्तारित किया होगा कितने रामायण हमको पता है वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा हुआ किसने लिखा है वाल्मीकि मुनि में राइट right? फिर दूसरा आता है अध्यात्म रामायण अध्यात्म रामायण किसने लिखा है स्वयं श्री व्यासदेव ने व्यासदेव जी ने अध्यात्म रामायण लिखा किस भाषा में लिखा है संस्कृत में फिर काकभूषु भी रामायण है वह भी संस्कृत में आता है और फिर आता है कंब रामायण कंब मुनि ने रेखा वह आता है कन्नड़ कन्नड भाषा में फिर आता है रामचरितम रामचरितम बड़े विस्तार से लिल। रामलीला को प्रदर्शित करता है वो कौन सी भाषा में है मलयालम फिर आता है रघुनाथ रामायण रघुनाथ रामायण बड़े विस्तार से लिखा हुआ वह है तेलुगु में फिर आता है गीत रामायण किस किसने गीत रामायण सुना है मराठी में गदिमा ने लिखा हुआ है ना उसका ही आरंभ यह यहां से होता है स्वयं श्री राम प्रभु है कति निकुशलव रामायण गाती तो गीत रामायण सी भाषा में है मराठी में फिर आता है दास्ताए रामा दास्ताए रामा वो आता है फारसी भाषा में जरा भारत के बाहर चले भारत के बाहर वर्णन आता है राम कियन रामचंद्र जी की समस्त लीलाओं को बड़ी विस्तार से रामकियन इस रामायण में लिखा है कौन सी भाषा में है थाई भाषा में थाईलैंड थाई, थाई भाषा में प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र विस्तार से लिखा हुआ है फिर अवधि भाषा अवधि भाषा मतलब अयोध्या की जो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी के स्थान की भाषा है अवधि भाषा में क्या आता है रामचरितमानस मानस नित गावा तो स्वयं तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस गान किया तो ये सारे जो चरित्र वर्णित कर रखे हुए अलग अलग स्थान पर इसके अलावा इसके अलावा अगर हम हमारे शास्त्रों में जाए पुराणों में जाए तो इतना विस्तार से गंदे सुनना चाहते हैं सारे तत्वदर्शी सुनना चाहते हैं और एक व्यक्ति है वो है जटाधारी शिवजी निम्नगा नाम यथा गंगा गंगा में सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है गंगा देवता नाम अच्युतो तथा समस्त आराधना करने की जिनकी आ, जिनकी आराधना की जाए ऐसे व्यक्तियों में कौन श्रेष्ठ है स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अच्युत वैष्णवा नाम यथाशंभू और समस्त वैष्णवों में जो पूर्ण रूप से सभी वैष्णव गुणों का प्रतिपादित करते हुए करुणा रस रख मन में रखते हुए अन्यों की सहायता करने के लिए निरंतर लालायित रहने के लिए अन्यों के प्रति करुणा दया भाव अपने मन में धारण करते हुए भक्तों की आराधना में सहायक बनने वाले वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है शिवजी वैष्णवानाम वैष्णवा नाम यथाशंभु पुराणा नाम दम तथा और समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ कौन है भागवत पुराण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सभी स्थानापन्न हो गए ठीक है प्रभु रामचंद्र जी राम जी की कथा स्वयं की कथा सुनने के लिए पब्लिक में आकर बैठे थे राइट right. तो वैष्णवा नाम यथा शंभु शिवजी वो भी इस रामचरित को सुनने के लिए बड़े लालायित रहते हैं और एक सुंदर श्रृंखला है श्लोकों की श्लोकों की श्रृंखला में रामचंद्र जी के चरित्र का उनके लीलाओं का उनके गुणों का और वो हम पर जो आशीष प्रदान कर सकते हैं उसका वर्णन है उसका नाम है राम रक्षा है ना चरितम रघुनाथ से दोहराते चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविस्तरम एक अक्षरम पुंसा महापातकनाशनम तो ब्रह्मलोक में जो रामायण है राम जी के चरित्र का वर्णन है वो कितने अक्ष, कितने श्लोकों में है चरितम रघुनाथ सतकोटी प्रविस्तरम शत कोटि सौ करोड़ सौ करोड़ श्लोकों में राम जी के चरित्र का वर्णन है वहां पर ब्रह्मलोक में और वो सौ करोड़ के वर्णन वाला रामायण राम जी का चरित्र हाथ लग गया किसके शिव जी के सौ करोड़ श्लोकों का रामायण राम जी का चरित्र शिवजी के हाथ में आया और फिर शिवजी ने क्या किया पार्वती मैया को बताया है ना अभी कुछ मिला तो घरवाली को बताना पड़ेगा <laughs> तो शिव जी ने बताया माता पार्वती को तो माता पार्वती बोली कितनी अच्छी बात है राम जी का संपूर्ण चरित्र प्राप्त हो गया बोले हाँ लेकिन पार्वती मैया जाती है कौन है उसी क्षण उनके मन में करुणा का भाव निर्माण हुआ और सोचने लगे कि सारा संसार ऊपरी ग्रह मध्य ग्रह और निम्न ग्रह है ना चौदह भुवन है ना भू भूर भू स्व और इस तरह से फिर गंधर्वलोक किन्नर लोक फिर तपोलोक ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा और फिर नीचे अतल सुतल वितल, तलातल, पाताल, इस तरह से नीचे तो ऐसे चौदह भुवन ऊपरी ग्रह बीच में के ग्रह और नीचे ग्रह सब लोग कष्ट भोग रहे और वैष्णव कैसा होता है दयालु होता है तो शिव जी बोले कि ये ये अपने पास पूंजी अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं बांट दो है ना भक्त बांटने में विश्वास करते भगवत गीता अपने पास नहीं रखते सबको बांटते हैं कोई लेना ना चाहे ना तो जबरदस्ती दे देते लेकिन दे देते भगवान की कृपा तो शत कोटि प्रविस्तर सौ करोड़ श्लोकों से बने रामचंद्र जी के चरित्र उन्होंने क्या किया तैतीस करोड़ तैतीस करोड़ और तैतीस करोड़ तीनों लोकों में तैतीस 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 करोड़ बांट दिया बचे कितने एक करोड़ पार्वती मैया ने कहा चलो कुछ तो बचा है ना आप लोग जानते हो कथा जब उन शिवजी ने घर बनवाया और फिर ब्राह्मणों को बुलाया वस्तु शांति करने के लिए ग्रह प्रवेश करने के लिए और जो आया उसको बांटते गए बांटते गए बांटते गए गए सब खत्म हो गया फिर अंत में एक लेट लेटल ब्राह्मण आ गए सब कुछ खत्म होने के बाद और वो जब आए तो देने के लिए कुछ नहीं क्या दिया जो घर बनाया था ग्रह प्रवेश करने के लिए वो घर ही दे दिया शिव जी है आशुतोष है तो उन्होंने सारे बा... सारे रामायण के श्लोक बांट दिए बचे एक करोड़ पार्वती मैया को लगा कि अभी ठीक है अभी तो नहीं दोगे ना बोले नहीं बिल्कुल नहीं और दूसरे करुणा का भाव है ना बुक करना ही चाहिए श्लोक डिस्ट्रीब्यूशन करना ही चाहिए फिर उसमें से एक करोड़ में से तैतीस लाख तैतीस लाख और तैतीस लाख उन्होंने तीनों ग्रहों में बांट दिए बचे कितने एक लाख पार्वती मैया ने सोचा इतना तो रखो भले बिल्कुल अभी बिल्कुल बस हो गया अभी ये अपने घर की पूंजी है अपने पास रखेंगे और दूसरे क्षण करुणा का अनुभव और फिर उस एक लाख में से तैतीस हजार तैतीस हजार तैतीस हजार बांट दिया कितने बचे एक हजार एक हजार तो रखे और रखे तो वो शिवजी कैसे है ना करुणा का भाव जागृत हुआ और उस एक हजार श्लोकों में से तीन 333, तैतीस तीन सो तैतीस तीन तैतीस तीनों ग्रहों में बांट दिया बचे कितने एक श्लोक बचा और जो लोग संस्कृत व्याकरण या फिर मराठी व्याकरण जानते हैं अनेक वृत्त अलंकार होते हैं उन व्रतों को हिंदी में छंद कहा जाता है है ना शार्दुल विक्रीड़ित है म स ज स त त त गंदाक्रांता म भ न त त त भुजंग प्रयात यह 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 यह। भुजंग प्रयाति य चार शिखरिनी फिर मालिनी तो ये सारे जो श्लोक है ना शास्त्रों में ये सारे शार्दुल विक्रीड़ित मंदांक्रांता वसंत तिलिका शिखरिनी मालिनी इन छंदों में है ऐसा और एक छंद है और उस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद और उस अनुष्टुप छंद में दो लाइन होते हैं दो लाइन होते हैं पहले लाइन के दो भाग होते हैं पहले भाग में चार शब्द दूसरे भाग में चार शब्द तीसरे भाग में चार शब्द चौथे भाग में चार शब्द व्याकरण क्लास खत्म हुआ तो ये चार, चार 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 ऐसे कितने हो गए टोटल एक लाइन में सोलह और दूसरे लाइन में सोलह टोटल कितने हुए बत्तीस तो पार्वती मैया को लगा एक श्लोक तो रखो इतना सब बांट दिए अभी एक श्लोक रखो है ना भक्त तो बहुत उदार होते हैं हमें याद है पूर्वी के औरंगाबाद शहर में और अभी के छत्रपति संब, संभाजी नगर शहर में जब इस्कॉन संस्था का आरंभ होने हो रहा था आज से लगभग 26 साल पहले तब हमें याद है आ, एक भक्त है अभी वो अपनी इस जगत की लीला पूर्ण कर कर चले गए महामुनि प्रभु मल्लेश कुमार उपल कितने लोग जानते हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं तो उनका घर उनकी ब्रेड की फैक्ट्री उनकी कार हमें याद है एक बार राधा गोपीनाथ का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के समय और वो भक्त ऐसे थे कि अपना सब कुछ नौशार करने के लिए तैयार उनकी प्रीमियम पद्मिनी कार थी उस प्रीमियम पद्मिनी कार में सिर्फ और सिर्फ तेरह लोग बैठे थे फोर सीटर कार उसमें तेरह लोग बैठे हुए और वो भी इस तरह से बैठे हुए कि अभी किसी को पता नहीं कैसे बैठे हुए और उसकी डिक्की में पूरा बना हुआ प्रसाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए तो वो प्रसाद भरा हुआ सामने राधा गोपीनाथ रोह और एक भक्त बैठा हुआ ऐसे जा रहे और वो सब कुछ देख भी देते थे और अपना उनका जो उत्साह है वो तो इतना प्रचंड हुआ करता था ऐसी गाड़ी चलाई राधा गोपीनाथ मुझे याद है राधा गोपीनाथ प्रभो ने जैसे वहां पहुंचे बोले आई हैव चैंटेड माई इंटेन सिक्सटीन राउंड फॉर फर्स्ट टाइम इतनी तीव्रता से जब किया <laughs> तो भक्त होते हैं जो अपना सब कुछ प्रदान करने के लिए अगर हम हमारे इस कॉन्ग्रिगेशन में देखेंगे ना हम शिव जी की कथा सुन रहे हैं लेकिन उस शिवजी का प्रतिनिधित्व करने वाले इतने वैष्णव हमारे कांग्रेगेशन में हैं, ना केवल हमारे कांग्रेगेशन में शिल प्रभुपाद के इस आंदोलन में सारे विश्व भर में जो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं शिल प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य को एक बार किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था सोच सकते हैं 2600 हजार सौ डोनर्स ने रिक्वेस्ट किया प्लीज हमारा ले लो भगवान के लिए अपने भक्तों के लिए भक्तों की सेवा के लिए अपना हृदय खोल कर रखते हैं सारे भक्त और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं वैष्णवा नाम शंभु तो एक श्लोक बचा अनुष्टुप छंदगा जिसमें कितने अक्षर शब्द थे बत्तीस पार्वती मैया बोली इतना तो रखो कुछ भी सब कुछ दे दिया इतना तो रखो शिवजी ने वो बिल्कुल अभी ये श्लोक तो मैं जाने नहीं दूंगा हाथ से बिल्कुल ये इतना तो है मतलब है आगे कुछ नहीं दूसरे ही क्षण करुणा दूसरे ही क्षण शिवजी ने दस दस शब्द ऊपरी ग्रह को दस शब्द बीच के ग्रह को और दस शब्द नीचे ग्रह को दे दिया बचे कितने दो फिर पार्वती माया ने कहा अब बचा क्या सिर्फ दो शब्द बचे तो शिव जी ने कहा ये जो दो अक्षर है माफ कीजिए दो बत्तीस शब्द नहीं बत्तीस अक्षर सिर्फ दो अक्षर बचे अब ये दो अक्षर शिव जी ने कहा पूरा रामायण इसमें है बाकी कुछ सुनने की आवश्यकता है ही नहीं और वो शब्द क्या है रा -म।, रा, -म। रा, -म। रा म दो अक्षर और बड़े सरल है एक बार ना हम ऐसे हमारे क्लिनिक में चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण कैसे और राम कैसे है ना थोड़ा सा अगर देखने का प्रयास करें तो एक टेढ़े है कोई काम सीधा नहीं करते करते हैं क्या खड़े रहेंगे तीन जगह पे टेड़े सीधे खड़े भी नहीं रहेंगे है ना सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं लेकिन पड़ोसी के घर पे जाके माखन चुरा कर खाएंगे अरे अपने घर में है ना नौ लाख गाय है उनके गाय पद्मगंधा गायों का दूध निकालकर यशोदा मैया बनाती लेकिन बाजू वाले के घर में खाएंगे यशोदा मैया के सामने क्या खाएंगे मिट्टी चलेंगे कभी सीधा नहीं चलेंगे हिलते दुलते तेड़ी तेड़ी तेड़ी, तेड़ी चाल में चलते रहेंगे है ना और उनका नाम कैसा है सीधा है क होना चाहिए ना नहीं तो कू होना चाहिए नहीं तो की होना चाहिए नहीं तो का होना चाहिए क्रू अब वो क्री भी नहीं है इट नॉट चीज नहीं हम लिखने के लिए लिखते हैं लेकिन संस्कृत में लिखेंगे तो वो क्री नहीं है कृष्णा नहीं है कृष्णा भी नहीं है कृष्ण है। वो भी तेड़े फिर शो भी स नहीं श नहीं शौ बड़ा वाला वो भी पूरा नहीं आधा फिर न तो नाम भी तेड़ा है और रामचंद्र जी सीधे खड़े रहेंगे और हाथ में धनुष है तीर है पीछे रा म सरल आसान शब्द है ना तो कृष्णा है इतने टेढ़े और भगवत गीता में कहते हैं सीधा चलो <laughs> तो राम शब्द अब ये राम शब्द की महती अगर समझने का प्रयास करेंगे ना तो वो समझने के लिए वो महती शिवजी को नहीं समझ में आई वो महती आ, समस्त देवी देवताओं को समझ में नहीं है हमें क्या समझ में आएगी लेकिन राम शब्द में जो शक्ति है वह शक्ति अमर्याद है अगणित है ये राम शब्द का ये राम नाम का ये राम कथा का प्रभाव है कि सारे शहर में तनाव का वातावरण होते हुए भी हमारा हॉल पूरा भरा हुआ रहता है क्योंकि राम कथा राम नाम में राम कथा में इतनी मधुरता है क्या है ये राम नाम जब हरे कृष्ण महामंत्र में लेते राम नाम मतलब सीता जी के साथ जो खड़े हैं है ना सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम तो सीता राम सीता के साथ है वो राम जब समस्त क्षत्रियो का वध करना है उन्हें पराजित करना है तो अवतरित होते हैं वो परशुधारी राम हरे कृष्ण महामंत्र में कभी जिनका वर्णन आता है और जो भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला करते हैं वो है बल राम और ये राम शब्द ना केवल प्रभु रामचंद्र जी अपितु संपूर्ण जो एप्सोलूट ट्रुथ है सर्वोच्च सत्य है उसको भी प्रतिपादित करता है क्या प्रतिपादित करता है यह जो रा शब्द है राम शब्द है राकार श्रीमती राधा मकार मधुसूदन यह वास्तविक रूप में जीव गोस्वामी इस बात को समझाते हैं कि रा प्रदर्शित करता है श्रीमती राधा रानी को और म प्रदर्शित करता है मधुसूदन को राम का अर्थ क्या है राधा कृष्ण राम शब्द का अर्थ क्या है राधा गोपीनाथ राम शब्द का अर्थ क्या है राधा गोविंद राधा रमन किशोर किशोरी राधा श्याम सुंदर राकार श्रीमती राधा मकार मधुसूदना तो ये राम शब्द इतना शक्तिशाली है इतना शक्तिशाली है और राम शब्द का अर्थ क्या है प्रभु राम जी का रमन्ते योगिणो अनन्ते सत्यानंद इति राम पदो न्यासा समस्त आनंद के आगार है प्रभु रामचंद्र जी इतना इतना श्रेष्ठ आनंद प्रदान करने वाले हैं इतना स्वाद है स्वादु स्वादु पदे पदे लेकिन हम कितने साल से सुन रहे हैं कितने साल से बोल रहे हैं लेकिन उसमें कुछ रुचि आती ही नहीं मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं बहुत सारे भक्त हैं जिनको राम नाम लेने में और भगवान प्रभु रामचंद्र जी का नाम स्मरण करने में बड़ी रुचि आती होगी लेकिन इतने वर्षों से राम नाम ले रहे इतने वर्षों से राम कथा सुन रहे कि उसमें रुचि आ ही नहीं रही है रुचि आती ही नहीं है देर इज नो टेस्ट स्वाद नहीं आ रहा है क्यों राम जी की लीला को शुरू करने से पहले हम इसके चार कारण देखेंगे और फिर रामलीला शुरू करते हैं चार कारण हैं जिसके कारण हमें भगवान के नाम में भगवान के रूप में भगवान की लीला में भगवान के गुणों में भगवान की भक्ति करने में भगवान की आराधना करने में भगवान का संग प्राप्त करने में भगवान के समक्ष कीर्तन करने में रस नहीं आ रहा है चार कारण है प्रसाद में रस आता है जब वो अपने मन पसंद और स्वादिष्ट बना हुआ हो है ना क्यों नहीं रुचि आ रही है आचार्य समझाते हैं कि चार कारण हैं पहला कारण है तत्व विभ्रम कि जो सिद्धांत है जो तत्व है जो ज्ञान है वो हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस भक्ति को हमारे भीतर जाने नहीं दे रहे हैं मतलब पूरा कोटिंग कर लिया है ना लेमिनेशन कर लिया अपने आप का रेनकोट पहन लिया और शॉवर के नीचे खड़े मैं तो बारिश में भीगा लेकिन पानी को स्पर्श नहीं करने दिया तो उसी प्रकार से भक्ति के सिद्धांतों को भक्ति के तत्वों को भगवत तत्व को ज्ञान को समझ रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन उसके द्वारा अपने हृदय का परिवर्तन होने ही नहीं दे रहे तत्व विभ्रम या फिर उस तत्व को सिर्फ उसी तरह से ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं जो मुझे अच्छा लगता है।, है ना जो मुझे अच्छा लगता है और फिर अपने मन के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं एक बार एक संस्कृत की शिक्षिका ने एक बच्ची को पूछा बोले बेटा बताओ ए मैं एक श्लोक संस्कृत श्लोक बताती हूं उसका अर्थ बताओ तो कौन सा श्लोक बच्ची खड़ी रही और फिर उस शिक्षिका ने पूछा तमसो मां ज्योतिर्गमय इसका अर्थ बताओ तो उसने कहा मां तुम सो जाओ मैं ज्योति के घर जाके आती हूं तम सोमा ज्योतिर्गमया <laughs> तुम सो जाओ मैं ज्योति के घर जाके आती हूं है ना तो हम हमारे मन के अनुसार उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं एक बार एक व्यक्ति ने एक राजा के दरबार में भगवत गीता के एक श्लोक का अर्थ बताया सुनना चाहेंगे श्लोक है सर्वस्व चाहम हम हृदय सन्निविष्टो इसका अर्थ पूछा तो उसने कहा का सभी को चाय पसंद है सर्वस्य चाहम हृदय सन्नी और हृदय को आनंद देती है कौन सी चाय विष्टो स्टोपे बनी हुई <laughs> है ना तो शास्त्रों का अर्थ हम हमारी सहूलियत के अनुसार निकालते हैं शास्त्रों का अर्थ हमारी अपेक्षाओं के अनुसार हमारी इच्छाओं के अनुसार निकालने का प्रयास करते हैं तत्व विभ्रम पहला कारण है क्योंकि शास्त्रों को यथारूप हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि शास्त्रों को यथारूप ग्रहण नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि शिल प्रभुपाद जी और अन्य आचार्यों ने दिए उपदेशों को यथारूप स्वीकार कर कर उसके अनुसार हमारा जीवन यातन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कोई रुचि आ ही नहीं रहा है शहद की बॉटल है कांच की बरनी में शहद की बॉटल है कांच की उसका ढक्कन लगा हुआ है बाहर से चाट रहे हैं शहद का स्वाद आएगा खोलना पड़ेगा ढक्कन को और हमें कौन सा ढक्कन खोलना पड़ेगा हमारे हृदय के ढक्कन को खोलना पड़ेगा यह जो शास्त्र है ये जो उपदेश है ये जो निर्देश है ये जो भगवान की वाणी है उसको घुसने देना पड़ेगा हृदय के भीतर तब जाकर परिवर्तन होगा इसलिए भक्तों का संग भक्तों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है पहला कारण तत्व विभ्रम जिसके कारण हम रुचि नहीं ले पा रहे भक्ति में या फिर भगवत नाम में दूसरा कारण है असत तृष्णा तत्व विभ्रम दूसरा कारण है असत तृष्णा असत अर्थात जो सही नहीं है असत जो सत नहीं है असत तृष्णा मतलब प्यास है ना तो असत तृष्णा है क्या तृष्णा है पहली असत तृष्णा भौतिक साधनों के द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करना भौतिक अभिलाषाएं यह पहली असत तृष्णा है यह चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए है ना मेरा रूप ऐसा चाहिए मुझे कपड़े ऐसे चाहिए मुझे संबंधी ऐसे चाहिए मेरे संबंधियों ने मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए असत तृष्णा है वी वॉन्ट टू डिक्टेट हम चाहते हैं कि मुझे यह प्राप्त हो ना केवल वस्तु मुझे संग भी मेरी इच्छा के अनुसार प्राप्त हो अन्यों के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार है वो व्यवहार भी मेरे इच्छा के अनुरूप प्राप्त हो असत तृष्णा तो भौतिक अभिलाषा पहली असत तृष्णा दूसरी असत तृष्णा बस पुण्य किए जाओ अच्छे काम करेंगे अच्छा रहेंगे अच्छा पुण्य कमाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे स्वर्गीय भोग का अनुभव करेंगे भोग करेंगे दूसरी असत तृष्णा तीसरी असत तृष्णा हम नियंत्रक बनना चाहते हैं योगी बनना चाहते हैं कि हम ये कर सके वो कर सके ऐसे कर सके वैसे कर सके तीसरी असत तृष्णा और चौथी असत तृष्णा चौथी तृष्णा है कि यह सबसे छुटकर अंत तो गत्वा मुक्त हो जाए मुक्ति प्राप्त कर ले तो यह असत तृष्णा पहला कारण क्या है तत्व विभ्रम दूसरा कारण है असत तृष्णा तीसरा कारण क्या है वीक हार्ट हृदय दौरबल्यम हृदय हृदय के अनर्थ हृदय का दौर्बल्य क्या है वो दो है एक भगवान से विमुख होकर कुछ प्राप्त करने की इच्छा डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण भगवान से अलग होकर कुछ भोग करने की इच्छा क्या करना ओके ओके okay, okay. तो भगवान को भोग लगने वाला है। भगवान से अलग होकर नहीं तो जयराधा माधव शुरू करें व्यासन पे बैठने के बाद जयराधा माधव गाना पड़ता है ना चलेगा प्रभु रामचंद्र जी जिस जिस रंग के वस्त्र को धारण करते हुए वनवास में गए वो रंग अभी आशीर्वाद देने के लिए आ गया तो दूसरा कारण क्या है असत तृष्णा तीसरा कारण क्या है हृदय दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम दो तरह से है पहला भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छा करना और दूसरा अन्यों के प्रति द्वेष असूया अपने मन में रखना एक बार किसी किसी ने मुझे पूछा था अगर आपके आपके प्रति किसी ने कुछ कुछ बुरा किया है या फिर बहुत आपकी निंदा की है बहुत बुरा भला कहा है ये किया है तो फिर मैं, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा रादर करता हूं और किया भी है कि बस उनके प्रति मेरे मन में द्वेष ना रहे लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी सो दैट आई शुड नॉट हैव एन वी फॉर एनी क्योंकि भाई अगर मेरे मन में वो द्वेष रहेगा ना तो वो सारे भगवत धाम जाए ना जाए मैं तो पक्का नहीं जाने वाला क्योंकि दो चीज जिसके हृदय में है उसको वहां पर एंट्री ही नहीं है है ना इच्छा द्वेश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत क्योंकि अगर वहां जाना है तो ये दो चीजें हृदय दौरबल्यम यह हृदय को दुर्बल करने वाली चीजें हैं हृदय दौर्बल्यम यह तीसरा कारण है जो हमें भक्ति में रस मिलने ही नहीं देता है और चौथा कारण है हाथी मत अपराध नाम के प्रति अपराध वैष्णव के प्रति अपराध धाम के प्रति अपराध सेवा के प्रति अपराध 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 बहुत भक्ति करेंगे बहुत नाम जप करेंगे बहुत खुद को खोलकर बड़ा प्रचार करते हुए कार्य करेंगे और वैष्णव के प्रति अपराध करते रहेंगे बैक टू स्क्वायर वन जीरो प्रगति होगी नहीं तो ये चार कारण है जिसके कारण हमें भक्ति में रस नहीं आ रहा है या भक्ति में नाम जप में रुचि नहीं आ रही है अगर सच में रुचि नहीं आ रही है ना तो देखना चाहिए कि ये चार में से क्या हो रहा है मेरे साथ पहला तत्व विभ्रम दूसरा असत तृष्णा तीसरा हृदय दौरबल्यम और चौथा अपराध केवल नापा नापा अपराध नहीं नाम अपराध धाम अपराध सेवा अपराध तो इन सारे अपराधों से हमें बचना चाहिए राइट right? इसके इन सारे अपराधों से बचेंगे तब जाकर भगवान विचार करेंगे कि चलो इसके हृदय में जाते हैं तो मुझे आदेश मिला है कि कथा को बहुत ज्यादा देर तक लेकर नहीं चलना है किसी कारणवश क्योंकि शहर में कुछ स्थिति ठीक से नहीं है तो फिर भी हमारे अथॉरिटीज़ uh, का फोर्सफुल परमिशन लेते हुए हम थोड़ी कृष्ण थोड़ी सी राम कथा आगे करेंगे इन चार चीजों से अगर बचेंगे तत्व विभ्रम असतृष्णा हृदय दौर्बल्य और अपराधों से बचेंगे तब यह संभव हो पाएगा कि रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो सकेगी रामचंद्र जी का जन्म होगा है ना आज क्या है सियावर रामचंद्र की जय श्री राम रामचंद्र जी प्रविष्ट हो गए है ना कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार कली काले राम रूपी राम अवतार कलयुग में राम जी का राम जी नाम के रूप में अवतरित होते हैं कहां अवतरित होते हैं अंत में हम देखेंगे कि रामचंद्र जी कहां अवतरित होते हैं रामचंद्र जी जन्म लेते हैं कहां लेते हैं और जहां कहां जन्म लेते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम वैसे बने रामचंद्र जी का जन्म कहां पर हुआ अयोध्या में क्या लंका में लंका में भी कुछ किया था ना रामचंद्र जी ने गए थे ना जन्म हुआ था वहां पर क्यों माता सीता को लेने गए लेकिन अयोध्या में जन्म हुआ लंका में नहीं हुआ क्यों लॉन्गेट्यूड अच्छा नहीं था वहां का वहां पे वातावरण नहीं था तो भगवान वातावरण तैयार कर सकते हैं ना कौन सा वातावरण भगवान तैयार नहीं कर सकते भगवान तो वातावरण तैयार कर सकते भगवान रामचंद्र जी ने लंका में जन्म क्यों नहीं लिया वहां रावण रहता था डर गए हाँ वहां रावण रहता था <laughs> हाँ, रावण विद्वान ब्राह्मण था।, था फिर तो अच्छा है विद्वानों की संगति अच्छा रा, लंका को छोड़ दो उस्मानपुरा औरंग संभाजीनगर में क्यों नहीं जन्म लिया या फिर महेश नगर में मोंडा नाका से नीचे उतर कर वो कॉर्नर पे रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म क्यों लिया अयोध्या और लंका को समझने का प्रयास करेंगे अयोध्या है ना अयोध्या में एक व्यक्ति थे जो राजा थे जिनका नाम था दशरथ दशरथ अर्थात जो जब युद्ध करने जाते तब दशो दिशाओं से युद्ध कर सकते थे एट ए टाइम यहां खड़े हैं इधर युद्ध कर सकते थे इधर के योद्धा के साथ इधर के योद्धा के साथ इधर के योद्धा के साथ इधर, इधर। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैरुत्य अग्नेय वायव्य और ईशान्य ऊपर और नीचे दसों दिशाओं की ओर देखकर दशो दिशाओं के योद्धाओं के साथ शत्रुओं के साथ जो युद्ध कर सकते थे उनका नाम था दशरथ दशरथ कहां थे अयोध्या में दशरथ शब्द का और एक अर्थ है जिन्होंने अपने दसों इंद्रियों पर पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेंद्रिय इन पर विजय प्राप्त की हो दिशाओं पर विजय प्राप्त करना शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान है अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करवाना बहुत कठिन है महाराज दशरथ ने दसों इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की हुई थी इसलिए उनका नाम था दशरथ इधर थे महाराज दशरथ उधर थे दशा None. दश दस कॉमन है है ना रावण का नाम क्या था दशानन, इधर उसके पास उसके पास दस सर है किस लिए दसों दिशाओं की ओर देखते हुए भोग करने की इच्छा करने के लिए है ना दस सर उधर देख रहा है अरे इधर वो बहुत अच्छा है चलो उधर बहुत अच्छा है वो चलो है ना कितना प्रॉब्लम होता होगा रावण को सोचो हमारा एक सर है और इतनी इच्छाएं होती है रावण के दस सर थे है ना मुझे मेरी एक छोटी सी मेरे क्लिनिक में डेंटल पेशेंट आई छोटी बच्ची उसने कहा अंकल दो टाइम ब्रश करना चाहिए लेकिन हमारा मेरा पेस्ट तो डेढ़ महीने में एक डेढ़ महीने में खत्म होता होता है तो उसने कहा रावण का पेस्ट कितने दिन में खत्म होता होगा <laughs> दस सर है दस मुंह में दांत है सुबह शाम करना है मतलब बीस बार है ना तो दस सर है और दसों सरों से विचार क्या चल रहा है भोग कैसे करूं इंद्रिय तृप्ति कैसे करूं दशरथ इंद्रियों पे दसों विषयों इंद्रियों पे विजय है और दशानन समस्त इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करने के लिए भोग करने के लिए इच्छा करने वाले यह अंतर है अयोध्या और लंका में दूसरा अंतर क्या है अयोध्या में जब प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़कर चल रहे थे ना तो उन्होंने अपने धोती की पोटली में या उत्तरीय की पोटली में ना थोड़ी सी अयोध्या की मिट्टी को बांध कर लिया और जाते जाते उन्होंने कहा हे अयोध्या देवी हे माते मुझे आपसे विरह होगा अयोध्या अयोध्या देवी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूं बोले फिर इधर सब लोग कैसे रहेंगे अयोध्या में वस्तुओं को भी व्यक्तित्व का दर्जा दिया जाता है और लंका में व्यक्तियों को भी वस्तुओं के जैसा यूज किया जाता है अंतर है राधानाथ स्वामी महाराज हमारे गुरु महाराज अक्सर कहते हैं थिंग्स आर टू बी यूज एंड पीपल्स आर टू लव पीपल शुड बी लव व्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए सॉरी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए हम उल्टा करते हैं वस्तुओं से प्रेम करते हैं और व्यक्ति का उपयोग करते हैं वी यूज पीपल एक वस्तु प्राप्त नहीं होने की अगर स्थिति हो गई तो ये व्यक्ति कुछ काम का नहीं हम व्यक्तियों को यूज कर, कर छोड़ देते हैं गोल्डन स्टेटमेंट राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं थिंग्स आर टू बी यूज एंड पीपल आर टू बी लव तो अयोध्या में वस्तुओं को भी व्यक्ति का दर्जा दिया जाता था और लंका में सबका केवल उपयोग किया जाता था सारे लंका वासियों का उपयोग किस लिए रावण की संतुष्टि के लिए कुंभकर्ण की कतई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की कुंभकर्ण समझाता है रावण को तूने मूर्खता की है जाओ सीता माता को लौटा क्या लेकिन रावण सुनता नहीं फिर दुर्योधन कुंभकर्ण को भी रावण की संतुष्टि के लिए युद्ध करना पड़ा कुंभकर्ण का भी उपयोग किया गया यह अंतर है अयोध्या में और लंका में अयोध्या में न केवल दशरथ है अपितु तो और एक व्यक्ति है कौशल्या कौशल्या अर्थात जो कुशलता पूर्वक भक्ति में सेवा करने का सामर्थ्य रखती है वो कौशल्या जिसमें समस्त कौशल्य है भक्ति के सिद्धांतों को भक्ति के तत्वों को भक्ति की प्रक्रिया को भगवान की सेवा में लगाने का वह है कौशल्य दादाना स्वामी महाराज अक्सर कहते हैं लव मीन्स डिटेल्स जैसे अभी पीछे माता है भोग लगा रही है और जब भोग लगा रही है तो उन्होंने अलग 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 बनाए अलग अलग व्यंजन बनाए और फिर उस व्यंजन को बनाते समय कुछ कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें इतनी इतनी होती होती है इतनी कला होती है हमारे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में जो केक बनाया गया था उसके वो केक ऐसे सिंहासन के जैसा था और उसके ऊपर गौरंग महाप्रभु थे कुशलता है जब हमारे माताएं भगवान के लिए हार बनाती है तो हमें पता है बहुत सारी माताएं हैं जब हार बनाती हैं तो बराबर तीन गुलाबी रंग की पंखुड़ियों के बाद दो सफेद रंग की पंखुड़िया उसके बाद तीन फिर से फिर दो फिर से एग्जैक्ट मेटिकुलसली मेटिकुलस एक्सपर्टी विद डिटेल्स इन द सर्विस ऑफ कृष्णा एसकेल यह कुशलता है कि पूर्ण ध्यान देकर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर जो भक्ति की प्रक्रिया की जाए वो प्रेम में भक्ति है ना नहीं, नहीं तो ठोकता जो किया जाता है इस तरह से नहीं तो बड़ी कुशलता पूर्वक भगवान की भक्ति करने की अभिलाषा और क्षमता रखने वाली माता कौशल्या तो जहां पर सभी दसों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले दशरथ और कुशलता पूर्वक भक्ति करने वाली कौशल्या है राम वहां जन्म लेते हैं लंका में नहीं जहां पर दातृत्व है जहां पर कारुण्य है राम वहां जन्म लेते हैं तो अगर हम हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें और बड़ी कुशलता पूर्वक भगवान की सेवा करने का प्रयास करें तब राम हृदय में अवतरित होंगे और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम नाम के रूप में अवतरित हुए हैं प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र जो है वह इतनी शिक्षाओं से भरा हुआ है इतनी सुंदर 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 शिक्षाएं प्रदान की है रामचंद्र जी के चरित्र में आज सुबह हमारा एक क्लास था रामचंद्र जी की लीला के ऊपर तो उसमें हमने वर्णन किया था कि लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम भगवान रामचंद्र जी के जो नेतृत्व गुण हैं उन पर हमने चर्चा किया था तो बहुत सारे रामचंद्र जी के गुण है उनके अलग अलग लीलाओं से रामचंद्र जी उसको प्रतिपादित करते हैं प्रभु रामचंद्र जी की लीलाओं में प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र में रिलेशनशिप्स के सिद्धांत हैं संबंधों के सिद्धांत हैं प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र में यशस्वी बनने के सिद्धांत हैं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस हैं प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र में अपने जीवन को सफल बनाने के सिद्धांत हैं चाहे वह एक छोटी सी गिलहरी जो छोटे से रेत के दानों को राम सेतु के बीच में डालने का प्रयास करने वाली हो या बहुत अद्भुत अद्भुत काम करने वाले हनुमान जी की लीला हो वह सुग्रीव का सुग्रीव की चतुरता हो या जाम्बवन का अनुभव हो प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र समस्त यशस्वी बनने के रहस्यों से भी भरा हुआ है और वो रामचंद्र जी जहां पर विराजित होते हैं ना और उनके साथ जब हनुमान जी आते हैं तब किसी भी कार्य की परिपूर्ति होती है और साथ ही साथ जीवन का भी अंतिम गंतव्य प्राप्त होता है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने लग होने वाला था तब अर्जुन और भीम के द्वारा प्रार्थना करकर हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी रथ के ऊपर जो ध्वज था ध्वज में विराजमान थे हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे, वो हनुमान यहां ध्वज पर विराजित हो गए तो प्रभु रामचंद्र जी का नाम जिसे लेने के लिए शिव जी भी प्रेरणा करते हैं हर हर महादेव कर कर दुनिया शिव जी का गुणगान करती है और शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम समस्त आराधनाओं में विष्णु की आराधना करना आवश्यक है और रामचंद्र जी के नाम के विषय में शिवजी कहते हैं सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने राम जी का तीन बार अगर नाम लिया ना तो एक बार विष्णु सहस्त्र नाम एक बार नाम रामचंद्र जी का एक बार नाम लिया तो तीन बार सुना है उन्हें तो एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का गान किए जैसा है करना है विष्णु सहस्त्र नाम अभी आधा घंटा लगता है जय श्री राम।, राम हो गया <laughs> बस उन चार चीजों को ध्यान में रखकर राम का नाम लेना है तत्व विभ्रम असत तृष्णा हृदय दौर्बल्यम और अपराध वैष्णव के प्रति अपराध भगवान कभी तोमास्थानी अपराध तारे हरिनाम हरिस्थाने अपराध तारे हरिनाम तोमास्थाने अपराध ना ही परित्राण अगर भगवान के प्रति अपराध करेंगे तो हरिनाम बचा लेगा लेकिन भक्तों के प्रति अपराध करेंगे तो कौन बचाएगा अब तेरा क्या होगा ऐसा भगवान बोलते हैं अगर वैष्णव के प्रति अपराध किया तो <laughs> राइट तो इन चार चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर राम का नाम लेंगे ना अपने हृदय को अयोध्या बनाना है बड़ी सुंदर थी अयोध्या वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय को अगर पढ़ेंगे ना तो वह अयोध्या का वर्णन इतना सुंदर है ऐसे हमारे हृदय को बनाना है और को बनाना है हृदय में अगर दश रथ और कौशल्या चाहिए तो दसों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और कुशलतापूर्वक सेवा करनी चाहिए हमारे मधुवन सेंटर के सभी भक्त इस कुशलता का परिचय देने के लिए एक प्रयोजन कर रहे हैं इस रविवार से इस रविवार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया यहां पर स्थानापन्न होंगे और देखिए सारे भक्त कितनी कुशलता से भगवान की आराधना उनके अग्र अर्च विग्रहों की सेवा करते हुए करते हैं तो इस तरह से अगर इस भाव से अगर राम नाम लेंगे तो निश्चित रूप से रामचंद्र जी विराजित होगी हमारे हृदय में और हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे और रामचंद्र जी का एक वचन है कि वो अगर कोई एक बार उन्हें कहे कि प्रभु मैं आपका हूं तो उनका वचन है कि वो स्वीकार करेंगे अब वो लीला में हम नहीं जाएंगे सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं रामचंद्र जी का आविर्भाव रामचंद्र जी के जन्म का पर्व है रामनवमी का पर्व है हर कोई हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी रावण बैठा हुआ है बड़ी भोग करने की इच्छा करता है ना इधर उधर बहुत देखता है कभी नेटफ्लिक्स कभी हॉटस्टार कभी ये कभी वो कभी इधर कभी उधर दस दिशाओं में अपना सर मार रहा है बस उस रावण को मार दो हे राम और आप मेरे हृदय सिंहासन पर विराजित हो जाइए उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा वो हम निरंतर करते रहे हे राम आपका नाम हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र को निरंतर ग्रहण करने की लालसा मेरे मन में उत्पन्न कर दीजिए ताकि मैं प्रतिदिन प्रति क्षण जीवन भर बड़ी तीव्रता से करुणता से और पूर्ण भक्ति से जोर से गा सकूं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सियावर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की शिल प्रभुपाद की जय निथाय गौर प्रेम कृष्ण समस्त गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी तरह से राम जी को किस प्रकार से हम हमारे हृदय में स्थानापन्न कर सकते हैं किस प्रकार किस भाव से हमको उनको अपने जो हृदय में उतारना है वो भाव आज हमको अच्छी तरह से समझ समझाने का प्रयास किया अब हमारा कार्य कर्तव्य है कि हमको उसको अच्छी तरह से समझ कर अपने जीवन में उतारना है तो श्रीमान सुबुद्ध राय प्रभु ये डेंटिस्ट है डॉक्टर है और यहाँ प्रैक्टिस करते हैं बहुत वर्षों से तो इनका आज इनके कारण आज हम थोड़ा गहराई में जा पाए तो इनका हम हमारी पारंपरिक पद्धति से तीन बार हरी बोल बोलकर इनका आभार व्यक्त करते हैं हरी बो